हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। दोस्तों, जेएसएससी की तरफ से अभी अभी एक नोटिस निकल के आया है और जेएसएससी के लिए, जेएसएससी के जितने स्टूडेंट हैं इंटरमीडिएट लेवल के छात्रों के लिए बैड न्यूज है। दोस्तों, क्यों बैड न्यूज है देखिए जेएसएससी ने क्या बोला। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा कर रखिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आता है जेएसएससी और जेपीएससी का सबसे पहले यूट्यूब पर डालने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना को नोटिफिकेशन देख सके। ठीक, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा कर रखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आप आरियार कारण से इस फॉर्म को भरने की तिथि को भी रोक दिया गया। ठीक है, क्या कारण है देखते हैं क्या है। ठीक है, ये जेएसएससी अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। ठीक है ना, अब क्या कारण है भगवान जाने, लेकिन चलिए जो भी है, जो अपडेट आता है बताते हैं बाकी क्या है बात की बात है। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी का नोटिस है ये, 2 तारीख, झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक संयुक्त प्रतियोगिता परिषद 2023 नियमित एवं बैकलॉग भर्ती जो भी है, 2 तारीख का नोटिस देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या बोला गया है, झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परिषद 2023 नियमित एवं बैकलॉग भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदक 2/2/2023 से लेके 1/2023 तक मध्य तक भरे जाने थे। देखिए दोस्तों, आज से फॉर्म भरा जाना था किसका, ये वाला इंटरमीडिएट जो टंकन वाला, जो हिंदी टंकन वाला भरा जाना था, लेकिन दोस्तों इसे अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया, मतलब अभी ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के संबंध में सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ये मतलब फालतू वाला काम है। ठीक है, ये जेएसएससी को सच बता रहे, तो जेएसएससी को नहीं होगा ना तो सेंटर को दे देना चाहिए। ठीक है, सेंटर को दे देना या फिर कोर्ट को दे देना चाहिए कि आप लोग एग्जाम लीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। सबका पास एक भी कम ढंग से इन लोग करता नहीं दोस्तों। देखिए आप परिहार कारण क्या कारण है, मतलब एक सिंपल वर्ड में लिख देता है छात्रों को परेशान करने के लिए। भाई को उम्मीद करता छात्र कि चलिए वह फॉर्म निकला तो इसका तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, नौकरी लेंगे, लेकिन आप लोग नहीं सुधरने वाले कभी। ठीक है, छात्रों को परेशान करना ही करना है ना, एग्जाम से ढंग लिया जाए, एग्जाम लिए ना ढंग से कोई एग्जाम ले पा रहे हैं, एग्जाम लेते हैं तो इसका कटअप जारी नहीं करते हैं, सीट भेज देते हैं और क्या क्या से क्या नहीं करते, मतलब क्या ही, मतलब गजब का मतलब दानाशाही चला रहा है यार। मतलब कैसे इस तरह के आईओ को हटा देना चाहिए, बेकार जो वहाँ का आईओ को, जितने भी लोग जो पैसा दे रहा है सरकार झूठ मूठ का, वो क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं लोग। ये काम हो रहा बताइए, कोई ढंग से काम हो रहा है, ये क्या कारण रहा दोस्तों, फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ता बढ़ा दिया गया। कुछ कारण तो लिख दो यहाँ पे कि क्या कारण रहा था इसे, ताकि लोगों को संतुष्टि मिले, लेकिन आप परिहार कारणों से लिख के आप लोग बस खेल जाते हैं ऐसे ही। कोई भी आता पेपर लीक हो जाता, आप पेपर लीक होता है तो बोल देते आप परिहार कारणों से, एक मतलब जो भी जाँच चल रहा है कुछ चल रहा है, अरे कुछ भी चल रहा है भाई, मतलब जो मन में ऐसा करते चले जाओ। ठीक है, अब कितना मूर्ख बनाएगा झारखंड के छात्रों को, ये क्या ही बताएं, मतलब सारे लोग मिल के एकदम गर्दन मचा दिया है झारखंड के छात्रों वाले, सरकार से लेके जो भी है आयोग तक, सब मिले जुले हैं। ठीक दोस्तों, ये हकीकत है दोस्तों, बता रहे हैं आपको, काफ़ी मतलब काफ़ी गुस्सा हमको आता है इस आयोग से, मतलब एक भी काम इन लोग ढंग से करता नहीं है, क्या कारण की वजह से जो इनको डेट को, मतलब फॉर्म को भी स्थगित कर दिया गया, ये कुछ नहीं बताएगा ना, एक पेपर आउट हो जाएगा तो उसके बारे में कुछ प्रोटेस्ट कीजिएगा, फिर भी कुछ नहीं बताएगा इन लोग, बस सिंपल तरीका से एक लाइन का आंसर देके आप चुपचाप लगा देगा, बोलेगा हम जांच कर रहे हैं, घंटा जांच कर रहे हैं भाई, किस चीज़ का जांच कर रहे हैं भाई, आज तक किसी चीज़ जांच का तो कोई सामने आया ही नहीं मामले में, तो क्या चीज़ का जाँच छोड़ रहा है बताइए जरा, कोई चीज़ जाँच ही नहीं होता भाई, बस ऐसे निकल लिख देता ताकि लोगों को शांति मिल जाए और लगे कि हाँ ये जाँच में बैठाया जैसे से, बाकी दोस्तों कोई जाँच नहीं हो रहा है, ना ही 28 तारीख जो पेपर लीक हुआ था जो जेई का, उसमें कोई जाँच नहीं है, ना ही नगर पालिका जो भी धांधली हुआ उसका भी कोई जाँच नहीं हो रहा है, बस ऐसे एग्जाम लेते चले जितने जा हो रहा है सो, बस ऊपर वाले से दुआ करते आप चेयरमैन सर से भी दुआ करते कि जो भी एग्जाम अभी हो रहा है कम से कम सचिवालय तो ढंग से करवा लीजिए, काफ़ी लोगों को भरोसा है इस पर, काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लोग बीते इस एग्जाम के प्रति, ऐसा नहीं कर पाइएगा तो चेयरमैन और सरकार को ऊपर वाले कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, बद्दुआ लगेगा गरीबों के छात्रों के लिए, हालांकि बद्दुआ तो लग ही रहा है, आप लोगों को टेंशन मत लीजिए, कितना आप तड़पा रहे छात्रों के ना क्या ही बताएं। खैर जो भी दोस्तों, जो भी नोटिस आया आपको, आपके साथ शेयर कर दिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाले पर जुड़ के रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।